और भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बात करी थी पांच ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जिसकी वजह से आप चिकन डिनर नहीं ले पाते हो पबजी में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको आई अकाउंट पर मिल जाएगा, साथ में उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी है, तो वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन पहले वाली वीडियो देख लेना, फिर उसके बाद वाली वीडियो आराम से देखना जाके। और आज हम लोग बात करेंगे पांच कॉमन मिस्टेक के बारे में जो आप लोग स्क्वाड मैचेस खेलते हुए कर देते हो जिसकी वजह से आपको चिकन डिनर नहीं मिल पाता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे थम्स अप देना बिल्कुल भूलना, चैनल पे नए मेरे भाई तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भूलना। तो चलो अभी पंचायत शुरू करते हैं। अब मैंने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को देखा है कि जब वो किसी बंदे को नॉकडाउन करते हैं तब उनको एक चुल सी काटने लगती है कि उनको उस बंदे को मारना है। अगर वो उस बंदे को नहीं मारेंगे कोई और मार देगा तो उनकी किल चली जाएगी, और सिर्फ वो एक किल के चक्कर में अपने आप को नहीं बल्कि पूरी टीम को खतरे में डाल देते हैं। अब मैं मानता हूँ कि अगर नॉकडाउन किया हुआ बंदा एड हो जाता है तो आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है, लेकिन आपको ये भी तो देखना है कि कहीं उस बंदे को मारने के चक्कर में आप खुद ना मर जाओ। मैंने ऐसे बहुत सारे प्लेयर को देखा है कि वो एक बंदे को नॉकडाउन करते हैं, वो बंदा घर के बाहर जाता है और भाई साहब उस बंदे को मारने के चक्कर में घर से बाहर कूद जाते हैं जहाँ पूरी स्क्वाड बैठ के उनका इंतजार कर रही होती है। तो यार ये एक ऐसी गलती होती है जिसकी वजह से यार वो खुद नॉकडाउन हो जाते हैं। अब आपकी टीम के ऊपर प्रेशर आ जाता है यार कि आपका बंदा नॉकडाउन हो गया, अब आपको उसे एड करना है। तो यार इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होता है बल्कि इससे टीम के ऊपर और प्रेशर बढ़ता है। अब अगर आपने किसी बंदे को नॉकडाउन करा है और उसके टीममेट्स ऐसे सिचुएशन में नहीं है कि उसको एड कर सकें तो उसको मारने से कोई फ़ायदा नहीं, उसको पड़ा रहने दो यार, वो तो ऐसे ही धीरे धीरे मर रहा है। अब क्योंकि वो बंदा धीरे धीरे मर रहा है तो एनिमी टीम के ऊपर भी एक प्रेशर रहता है कि उनका एक बंदा नॉकडाउन है और उन्हें उसे रेस्क्यू करना है। और जहाँ तक बात है कि आपका कोई किल चुरा ले जाएगा तो मेरे भाई आपको ये मेंटेलिटी बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि एक किल के चक्कर में आपका पूरा गेम ही चला जाएगा। और कहीं गलती से आप नॉकडाउन हो गए तो भैया पूरा प्रेशर आपकी टीम के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उन्हें अब आपको रेस्क्यू करना है और आपको रेस्क्यू के चक्कर में वो पूरी टीम मर सकती है। अब एक और गलती है जो स्क्वाड में लोग अक्सर करते हैं वो है रास्ता ब्लॉक कर देना। मान लो कि आप लोग गाड़ी से उतरे और आपके ऊपर फायरिंग होने लगती है और आपका एक बंदा नॉक हो जाता है। आप सब लोग घर में घुसने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो जो नॉक्ड वाला बंदा है वो रास्ते के बीच में आ गया, लेकिन जो आपका नॉक्ड टीममेट है वो दरवाजे के बीच में आ गया है। अब क्योंकि नॉक्ड जो प्लेयर्स होते हैं वो बहुत रगड़ रगड़ के चलते हैं, तो ऐसे में जो बंदे नॉक्ड नहीं रहते हैं जो तेज़ी से मूव कर सकते हैं वो दरवाजे के अंदर नहीं घुस पाते, और ऐसे में पूरी टीम मर जाती है। अक्सर ये चीज़ सीढ़ियों पर भी होती है। तो भाई देखो, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर आप नॉक्ड हो चुके हो तब भैया आप कुछ नहीं कर सकते, जो भी करेगी आपकी टीममेट करेगी। तो जो आपका पहला प्रेफरेंस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप अपने टीममेट्स को बचाओ। अगर आप नॉकडाउन हो तो आपको कवर में जाना है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपसे ज़्यादा आपके टीममेट को कवर में जाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी को आपको एड करना है। अगर वही नहीं बचेगा तो आपको बचाएगा कौन? तो हमेशा ये कोशिश करो कि अगर आप नॉक्ड हो जाते हो तो अपने टीममेट का रास्ता कभी मत रोको, उनके बीच में अड़ंगा मत डालो, उनको कवर में जाने दो, फिर धीरे धीरे अपना हिलते डुलते रगड़ते घिसते कवर में किसी तरीके से चले जाओ। तो सिंपली मैं आपसे यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप नॉकडाउन हो तो आप पूरी तरीके से हेल्पलेस हो, तो जो आपकी हेल्प कर सकता है भाई उसका ना कभी रास्ता ब्लॉक करो ना ही कवर। और फिलहाल ये सब बातें तो तब आपके काम आएंगी जब आप ऐसी जगह पर हो जहाँ घर वगैरह हैं या फिर प्रॉपर कवर है, पत्थर वगैरह बड़े बड़े पड़े हैं, तो वहाँ पर ये सब बातें काम आती हैं। लेकिन अगर आप किसी खुले मैदान में हो जहाँ सिर्फ घास के मैदान है तो वहाँ पर अगर आप नॉकडाउन हो जाते हो तो भैया ईट करना वहाँ पर थोड़ा मुश्किल रहता है, स्मोक वगैरह आपकी वहाँ हेल्प कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती है जो आमतौर पर प्लेयर कर देते हैं, वो ये है कि जब वो नॉकडाउन हो जाते हैं तो वो अपने टीममेट की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि आप एक तो नॉकडाउन हो प्लस अपने टीममेट की तरफ जाके उसकी जो पोजीशन है उसको भी रिवील कर दे रहे हो, तो अगर कोई समझदार एनिमी है तो वो आपको नॉकडाउन करने के बाद शूट नहीं करेगा, वो ये देखेगा कि आप कहाँ जा रहे हो और फिर जहाँ आप जाके रुकोगे वहाँ पर आप दोनों को भून के रख देगा। तो अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में हो जहाँ आपके पास और आपकी टीम के पास कवर के नाम पे सिर्फ घास है, तो भाई बेटर ये रहेगा कि अगर आप नॉकडाउन हो जाते हो तो आप मूव मत करो, या फिर कवर ढूंढो जो आपके करीब करीब हो लेकिन वहाँ पर आपका टीममेट ना हो, क्योंकि अगर आप टीममेट की तरफ बढ़ोगे तो भैया टीममेट की भी लोकेशन रिवील हो जाएगी। अपने दिमाग को ठंडा रखो, क्योंकि अगर आप अपने टीममेट की लोकेशन जो है वो रिवील नहीं होने देते हो तो इस बात के चांसेस रहते हैं कि आपके टीममेट ही उन बंदों को मार देगा या फिर स्मोक स्क्रीन बना के वो आपको रिवाइव कर ले जाएगा। तो अगर आप अपने टीममेट की तरफ बढ़ने लगते हो बिना कोई सोचे समझे, बिना किसी कवर के, तो भाई आप एक तो उसकी लोकेशन रिवील करोगे, साथ ही साथ यार उसको आप प्रेशर में डाल दोगे, वो डबल माइंड हो जाएगा कि पहले एनिमी को ख़त्म करें या फिर पहले आपको रिवाइव करें। अब मान लीजिए कि आपके टीममेट के पास एक पेड़ है कवर के तौर पर, तब भी आप अगर अपने टीममेट की तरफ जाते हो यार तो इनिमीज को ये पता लग जाएगा कि आपका जो दूसरा टीममेट है वो एग्जैक्ट उसी पेड़ के पीछे है, तो वहाँ पर अपने 4 times, 8 times, or 6 times लगा के बैठ जाएंगे, जहाँ आपका साथी इधर उधर हिलेगा वहीं ठकाठक उसको पड़ना शुरू हो जाएगी।
अब यार पेड़ इतना चौड़ा नहीं होता कि आप दोनों को ही प्रॉपर कवर प्रोवाइड कर सके, तो अगर आपके एनिमी होशियार हैं तो वो थोड़े बहुत एंगल चेंज करके आप दोनों को ही बचा डालेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके पास मौका है रिवाइव होने का तो अपने टीममेट से बोलो कि एटलीस्ट एक स्मोक यूज़ कर ले ताकि आपको बेटर प्रोटेक्शन मिल सके। अब यार एक और चीज़ है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो ये है कि जब कोई बंदा नॉकडाउन हो जाता है तो वो चिल्लाने लगता है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगा। भाई ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इस तरीके से आप अपने टीममेट को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हो। खास करके मुझे गुस्सा तब चढ़ती है जब कोई बंदा यार वॉइस चैट का यूज़ नहीं करता है और चैट में हेल्प हेल्प चिल्लाया करता है, तो दिमाग खराब हो जाता है यार। इससे सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होता है और कुछ नहीं होता है। अब यार मैं इतना झुंझला के इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ता हूँ। क्योंकि यार आप एक तो नॉकडाउन हो चुके हो तो यानी मुझे आपको बचाना है, तो यार मुझे सोचने दो कि क्या करना है, और ऊपर से आप चिल्ला चिल्ला के आप मुझे ही प्रेशराइज़ कर देते हो, तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करना है। क्योंकि एक तरफ यार एनिमी पुश कर रहे होते हैं, उनको भी क्लियर करना ज़रूरी होता है, और दूसरी तरफ आप हेल्प 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 चिल्ला रहे हो, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। तो कभी भी आप नॉकडाउन हो जाओ तो अपने टीममेट को प्रेशराइज बिल्कुल मत करो, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक टेंशन है कि उनका एक बंदा नॉकडाउन है। हर बंदा जो भी स्क्वाड में खेलता है यार, उसके दिमाग में बात रहती है कि टीममेट को रिवाइव करना है, तो वो ऑलरेडी उस हिसाब से अपना काम कर रहा होता है, तो आपको उसमें हेल्प हेल्प चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप जो कर सकते हो वो करो, आप अपने लिए कवर ढूंढो, अगर आप एनिमी वगैरह को स्पॉट कर सकते हो तो वो कर सकते हो, उनकी लोकेशंस बता सकते हो, जो भी कर सकते हो यार सपोर्ट में करो अपने टीम की, उनको परेशान मत करो यार। और कोशिश ये करो कि उनको ये टेंशन ना लेने दो कि आपकी हेल्थ कम हो रही है। अगर आपके पास अच्छी खासी हेल्थ है तो उनसे बोलो यार कि टाइम लो, अपना सिचुएशन को समझो, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करो, मेरे पास अभी काफ़ी टाइम है, मुझे बचा सकते हो, इनमीज़ को एलिमिनेट कर लो या फिर जो है स्मोक वगैरह कर लो, उनसे को ठंडे दिमाग से काम ले। लेकिन अगर आप उनको प्रेशराइज करोगे कि नहीं भाई मुझे अभी एड कर मुझे अभी एड कर, तो आप तो मरोगे ही मरोगे, साथ में पूरी टीम को ले डूबोगे। अब यार एक और गलती है जो आमतौर पे हर प्लेयर करता है और मैं भी करता हूँ, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। यार देखो हर किल करने के बाद या फिर फायर करने के बाद हम लोग की आदत बन चुकी है कि हमको गन को रिलोड करना है। ये एक बहुत अच्छी टैक्टिक है, लेकिन इसको आदत बना लेना थोड़ा सा गलती है। कभी कभी ये होता है कि आप अपने एनिमी को मारने के लिए 10 बुलेट का यूज़ करते हो, आपके पास 30 या 20 बुलेट बची रहती हैं और आप अपने गन को रिलोड करने लगते हो, और तभी आपके ऊपर कोई बंदा पुश कर देता है। तो कभी भी आप अपनी गन को रिलोड करो तो आप ये देख लो कि क्या कोई बंदा आपके ऊपर पुश तो नहीं कर रहा है, क्या आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां आपको कवर मिल सके, मतलब ऐसा ना हो कि खुले मैदान में आप रिलोड करने लगो और आपके ऊपर काउंटर फायर होने लगे। अब यार यहीं पर एक और गलती लोग ये करते हैं कि वो अपनी बुलेट्स को वेस्ट कर देते हैं। आपके टीममेट में कोई एक बंदा एक को नॉक करेगा और उसको फिनिश करने के लिए पूरी टीम अपनी गन्स खाली कर देगी, और फिर जब उसकी टीम पुश करेगी आपके ऊपर तो पूरी टीम आपकी जो है वो रिलोड कर रही होगी। तो ऐसी सिचुएशन बड़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। तो अगर किसी भी बंदे को आपको फिनिश करना है तो कोशिश ये करो कि एक बंदा नॉक करे वही उसे फिनिश कर दे, या फिर एक नॉक करे दूसरा फिनिश कर दे, लेकिन पूरी टीम अपनी बुलेट ना खर्चा करे उसके ऊपर। तो फिलहाल यार इतनी मिस्टेक्स थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, और इनमें से ज़्यादातर मिस्टेक मैं खुद करता हूँ, तो इसी वजह से मैंने आपको बताया। तो अगर आप भी यही सारी मिस्टेक्स करते हो तो इस वीडियो को थम्स अप देना बिल्कुल भूलना, चैनल पर नए मेरे भाई तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल भूलना। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ठहरा बाय।